जैसा आपने थंबनेल में देखा कि अदनान कंट्रोवर्सी, वार्निंग फॉर इंस्टाग्राम यूज़र, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो फिलहाल अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है थगेस की, लक्ष्य चौधरी की, अदनान की, और भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, ट्रिगर्ड इंसान सब ने, तो कंट्रोवर्सी के बारे में शायद आपको पता होगा। लेकिन आज की वीडियो में अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हो, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, तो मैं आठ आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, शायद आठ आप इसको वार्निंग भी मान सकते हो, वो चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और ये मत सोचना कि कंट्रोवर्सी चल रही है तो हम भी उसमें मसाला देख ले मजा आ जाए। इन चीज़ों से आपको कितना नुकसान हो रहा है, आपकी आईडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, आप उससे क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, जो आठ पॉइंट बताऊंगा ना वो आप कहीं पे लिख लेना, ताकि आपके भी ये पॉइंट आगे काम आए। मैंने भी यहाँ पे मेरी डायरी में सारे पॉइंट नोट करके रखें, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी हो या कुछ भी हो तो इस चीज़ से मुझे कोई नुकसान ना हो, मेरी आईडी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए। जो मैं ये आठ पॉइंट बताने वाला हूँ ना, इससे आपकी पांच छह चीजें हो जाएगी। आपकी आईडी कभी आगे आने वाले टाइम में आपकी आईडी कभी फ्रीज नहीं होगी, आपकी आईडी का जो एंगेजमेंट है वो आपकी आईडी का एंगेजमेंट कभी खराब नहीं होगा, आपकी इंस्टाग्राम पे एक रेपुटेशन बनी रहेगी, अच्छी रेपुटेशन, आपकी जो इंस्टाग्राम पे ग्रोथ है वो काफी अच्छी आपकी ग्रोथ रहेगी, कभी भी आपकी ग्रोथ डाउन साइड में नहीं आएगी, अपसाइड में रहेगी, आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आगे वीडियो में कवर होने वाले हैं। पहला जो पॉइंट है वो है बोट कमेंट या सेम अकाउंट से जो रिपीटेटिव कमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानमंद होते हैं। अब वो कैसे आते हैं, क्या आते हैं, वो सब आपको मैं वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन रिकॉर्ड दिख रही होगी, अदनान भाई का अकाउंट है जिनके 11 मिलियन फॉलोवर है, 11 मिलियन मतलब आप अंदाज लगा लो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब इनके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक बार आते हैं, हम नीचे आएंगे, ये देखिए कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा इमोजीज आई हुई है, जो कि एक बोट कमेंट होता है, और रिपीटेटिव कमेंट का जो मैंने बताया, ये देखिए एक शिवाक्षी 07 को अकाउंट है, इसमें भी जीरो है पोस्ट, कोई भी अकाउंट में कुछ भी नहीं हलचल। यहाँ पे और थोड़ा नीचे आते हैं, बाकी देख सकते हैं बोट कमेंट के ही होते हैं जो ये इमोजी वगैरह होते हैं, और भी नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये कोई अकाउंट है सूरज 2016 सूरज जो भी, इसमें भी आप देख सकते हैं जीरो है पोस्ट, ये सब बोट अकाउंट रहते हैं, यहाँ पे कोई पोस्ट वगैरह नहीं होती, बस फॉलोवर फॉलोइंग रहती है, ये आपको फॉलोवर दे देते हैं। वो सब कैसे होती है आगे मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और भी जैसे अगर नीचे जाओगे तो ये देखिए आई एम राशि, चेक माई स्टोरी वाले में भी आप चेक करोगे कोई भी अकाउंट नहीं है, सब ये फेक अकाउंट है। और ये जो बोट अकाउंट होते हैं और जो भी बोट कमेंट होते हैं, ये आपको कहीं से भी खरीदने नहीं है मेरे दोस्त, इनका नुकसान होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम इतना भोला नहीं है कि आपने कहीं से भी जो बोट वाले कमेंट है खरीद लिया, ताकि आप सोचोगे कमेंट ज़्यादा आएंगे, एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, इंस्टाग्राम को लगेगा कि मेरे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो बोट कमेंट और सेम अकाउंट से रिपीटेटिव कमेंट अगर आप लोगे या खरीदोगे या कहीं से भी लोगे तो आपको कभी भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आने वाले टाइम में कभी भी ये चीज़ें मत करना, इससे आपका अकाउंट नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाने वाला। और जो आगे मैंने बताई थी ना आपको बातें, फ्रीज हो जाएगा आपका अकाउंट, या आपके अकाउंट की ग्रोथ नहीं होगी, स्पॉन्सरशिप कुछ भी नहीं मिलेगी। इंस्टाग्राम को ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है, बहुत बड़ी कंपनी है और उसको ये सब चीज़ें बहुत जल्दी नोटिस में आती है, इससे आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो बोट कमेंट या रिपीटेटिव वाले जो कमेंट होते हैं, अकाउंट से जो कमेंट आते हैं, वो कभी भी मत खरीदना। दूसरा जो पॉइंट है, व्यूज़ और आपके फॉलोवर में जो डिफरेंस होता है, जो आपके व्यूज़ आ रहे हैं और जितने आपके फॉलोवर है उसमें भी एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए भाई के हैं 11 मिलियन फॉलोवर्स, तो आप अगर एवरेज मानो, इसका 10% भी मानो ना, तो 1 मिलियन के आसपास होता है। और अगर आप वीडियोज़ देखोगे तो बहुत कम वीडियोज़ है जिन पर 1 मिलियन आया हुआ है। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बताया ना, बोट खरीदना, बोट वाले फॉलोवर वाले बंदे खरीदना, ये खरीदना, तो उनको अगर आप अकाउंट में खरीद के रखोगे ना तो आपके व्यूज़ उतने नहीं आ पाएंगे। और अगर आप व्यूज़ भी मान लो आपके व्यूज़ आते हैं, तो आप यहाँ पे आपको मैं एक लाइक का एक रेशियो दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए 7 लाख आपके व्यूज़ है और आपके लाइक आए हैं मात्र 79.9, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको कुछ समझ आ रही होगी वो चीज़ें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर आप कमेंट में जाओगे तो वही रिपीटेटिव कमेंट वगैरह मिलेंगे, क्योंकि आपने फॉलोवर खरीद के रखे हैं। तो अगर आप फॉलोवर कहीं से भी मेरे दोस्त खरीदोगे या आपके वो होंगे, तो कंपनी अगर आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप या कुछ देगी ना, तो आपके जो फॉलोवर है उसमें आपका जाके वो रेशियो देखेगी कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अगर आपके 1000 फॉलोवर है और आपके 100 व्यूज़ भी नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, या तो आपका जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस हो गया या बराबर भी हो गया, ये आपको ध्यान रखना। अब आपको मैं एक और अकाउंट यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, ये भी रोहित है, ये भी टिकटॉकर से आए हुए हैं, इनका भी आप अकाउंट जानते होंगे, इनके 23 मिलियन है, मानता हूँ इनके फॉलोवर ही बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप इनके वीडियो पे व्यूज़ देखोगे तो कोई भी वीडियोज़ आपकी मिलियन से नीचे नहीं जाएगी। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये देखिए 29.7 मिलियन व्यूज़ है, और लाइक देखो तो 32 लाख इनके लाइक है, और अगर नीचे जाओगे तो 31 व्यूज़ है मिलियन में और 50 लाख लाइक है। तो आप कहीं 11 मिलियन और 23 मिलियन में उतना भी डिफरेंस नहीं है कि 11 और 23 में, लेकिन वहाँ लाइक 80,000 है और यहाँ पे लाइक 50 लाख है। तो 80,000 और 50 लाख का डिफरेंस तो आप भी समझ सकते हो क्या होता है। तो इसको बोलते हैं जेन्युइन ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिक बंदे आते हैं जो आपको पसंद करते हैं, कोई भी खरीदे हुए नहीं है, बोट नहीं है। मानता हूँ थोड़े बहुत इनके भी होंगे, जरूरी नहीं है इनके 23 मिलियन पूरे असली है, ना तो ये मेरे दोस्त हैं ना मेरे अदनान भाई कोई दुश्मन है। तो मैं यहाँ पे किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ कि इनके बोट है और इनके वो है, मैं आपको ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे इंस्टाग्राम की सारी बातें कवर होती है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनका क्या नुकसान है और इनके क्या फायदे हैं। तीसरा पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी भी सब कुछ नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंट भी रहोगे और आपने ये फेक फॉलोवर वगैरह लेके रखें, तो आपकी कंसिस्टेंसी का भी कोई मतलब नहीं। अगर आप 10 दिन में भी एक फोटो डालोगे, तो आपने जो पीआर एजेंसी को हायर करके रखा है या जो बोट फॉलोवर आपने लेके रखें, वो 10 दिन बाद भी अगर आप फोटो डालोगे तो वो आपको लाइक वहाँ पे दे देंगे। वो ऑटो जनरेटेड प्रोसेस होता है, आप लाइक भी खरीद सकते हो, फॉलोवर भी खरीद सकते हो,
पीआर एजेंसीज बहुत कुछ होती है जिनको पैसा देना पड़ता है, पैसा दो आपका सब काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंसी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। हाँ टाइम लगता है ऑर्गेनिक ग्रोथ होने में टाइम लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर आपकी हो गई तो कंपनी की स्पॉन्सरशिप हो गई, आईडी की ग्रोथ हो गई, फ्रीज होना, ये सारे लफड़े आपके खत्म हो जाएंगे। सब कुछ आपको अपने आप मिलेगा, पैसे आप जितना चाहो उतना पैसा आप इंस्टाग्राम से निकाल सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये पीआर एजेंसी हो गई या फिर जो भी आप फेक फॉलोवर हो गए, बॉट फॉलोवर हो गए, ये सब खरीद के आप 10 दिन बाद भी फोटो डालोगे, इनकंसिस्टेंट भी रहोगे, तो भी आपको लाइक कमेंट मिल जाएंगे उतने, लेकिन आपकी आईडी की ग्रोथ नहीं होगी, कोई भी मतलब नहीं है उसका, और आप फेक ही लगोगे। अगर आपको फेक ही लगना है तो आप ये सब चीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जेन्युइन रहना है, असली ग्रोथ चाहिए, असला आपको अपनी एक आपका जो नेचर है, आपके जो एथिक्स है, उसको अगर आप पॉजिटिव वे में रखना चाहते हो तो कभी भी इस लाइन में मत जाना। चौथा पॉइंट वही है कि आपके साथ कोई भी एंगेजमेंट नहीं रहेगी, आपके अकाउंट की एंगेजमेंट दिखने के लिए रहेगी, इनसाइट्स आपके पॉजिटिव में रहेंगे, सब कुछ आपके जो लाइक है वो भी आपके अच्छे खासे रहेंगे, व्यूज़ भी आपके अगर आप अच्छी एजेंसी के साथ रहोगे व्यूज़ भी आपके अच्छे रहेंगे, कमेंट भी अच्छे रहेंगे, शायद आपके रिपीटेटिव कमेंट भी ना आए, एक अकाउंट से एक ही कमेंट आए, अच्छी लाइन भी लिखी हुई है, सब कुछ अच्छा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेक होगा। आपके मन को आपको पता रहेगा वो चीज़ें फेक है, मैं असली नहीं कर रहा हूँ, खरीदी हुई चीज़ें, और कंपनी सामने से अगर रिस्पॉन्स है, आप क्यों मेहनत कर रहे हो? आप एक बात बताओ, आप इंस्टाग्राम पर मेहनत क्यों कर रहे हो? आपको ग्रो क्यों होना है? आप इजीली ग्रो हो रहे हो ना कि मेरे को लोग जाने, कंपनी मेरे को जाने, मेरे को स्पॉन्सरशिप मिले, मैं पैसा कमाऊँ, मैं कहीं ना कहीं फेम करूँ, लोग मेरे को बुलाए, मेरे को जाने मेरे नाम से, तो जानेंगे तो फेक तरीके से भी और अच्छे तरीके से भी, लेकिन फेक वाले तरीके में आपकी बेइज्जती होगी, आपका रोस्ट बनेगा, लोग आपकी उड़ाएंगे, कहीं भी जाओगे तो बेइज्जती होगी। लेकिन अगर आप सही तरीके से रहोगे, जेन्युइन तरीके से ग्रो करोगे, जैसे बाकी क्रिएटर ग्रो कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप कहीं ना कहीं आपकी इमेज अच्छी रहेगी और कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप भी दे। अगर आपने फेक फॉलोवर चलो ले भी लिए तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है चलो मान लिया आपने फेक फॉलोवर ले भी लिए तो आपकी जो क्रेडिट मान लिया आपने फेक फॉलोवर क्रेडिबिलिटी अबे यार क्रेडिबिलिटी मान लीजिए आपने फेक फॉलोवर ले भी लिए तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है एज ए इन्फ्लुएंसर वो आपकी वहाँ पे नहीं रह पाएगी उतनी अच्छी जितनी पहले अच्छी थी, या जब आपने फेक फॉलोवर नहीं लिए थे तब अच्छी थी। तो ये सब लोगों को दिख जाता है मेरे दोस्त, तो कभी भी फेक फॉलोवर के लफड़े में मत फंसना। सिक्स पॉइंट यही है कि आप पैसे नहीं कमा पाओगे और कोई भी कंपनी के साथ आप कोलैब नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपनी को अगर आप कहीं भी अप्रोच करोगे या कंपनी में आपको अप्रोच करेगी तो वो आपकी इनसाइट्स को देखेगी और इनसाइट्स को ऊपर से नहीं देखेगी जैसे हम देखते हैं। उनके पास सॉफ्टवेयर होती है, उनके पास मेंबर होते हैं, उनके पास अपडेट्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो वो आपके अकाउंट को पहले ही चेक कर लेंगे। अबे आवाज़ धीरे कर। तो वो आपके अकाउंट को पहले चेक कर लेंगे कि आपके अकाउंट में क्या दिक्कत है, और अगर आपको उनको पता चल गया कि ये दिक्कत है तो आपको कोई भी अप्रोच नहीं मिलेगी, तो पैसा कमाना दूर, आप कोई भी कंपनी के साथ कोलैब नहीं कर पाओगे। और इस ग्रोथ जो अगला पॉइंट है, इस ग्रोथ को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो इंस्टाग्राम में इनऑर्गेनिक ग्रोथ को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ध्यान देना है। और ऑर्गेनिक ग्रोथ आप कैसे कर सकते हो, ये वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, कमेंट बॉक्स में आप बता दोगे कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर एक आप प्लेलिस्ट बनाओ, 10-15 वीडियो कंटिन्यू निकालो, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी मैं एक सीरीज या जो प्लेलिस्ट होती है वो निकाल दूंगा। आठवां जो पॉइंट है वो ये है कि इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि आपने फेक फॉलोवर ले ली, अब आपने पोस्ट डाली और अगर आपका 10% भी नहीं है, जैसे 100 फॉलोवर है 10 लाइक भी आपके नहीं आ रहे हैं, कहीं कहीं होता है कि बोट आपको मिल जाते हैं लेकिन वो लाइक नहीं करते, तो वो लाइक भी आपको खरीदने पड़ेंगे, लाइक खरीद लिए तो आपको कमेंट भी खरीदने पड़ेंगे, तो आपको उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अगर आप जानना चाहते हो कि ये चीज़ें कैसे होती है, मुझे भी करनी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फेक ही चाहिए, मेरे को फेक फॉलोवर चाहिए, मेरे को फेम चाहिए, मेरे को लोगों के सामने हीरो बनना है कि हाँ मेरे 1 लाख फॉलोवर है, 10 लाख फॉलोवर है, इतने लाइक आते हैं, इतने कमेंट आते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है, मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है और क्या है। मैं आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है या आपको ये चीज़ करनी है, जो सही है जो गलत है उसका मैं आपको बस डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ कि इसके क्या नुकसान है क्या फायदे हैं, बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, शायद आपको ये चीज़ें पसंद आए कि मेरे को फेक ही चाहिए यही चाहिए, तो मैं भी उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि मेरे को फेक फॉलोवर चाहिए, फेक लाइक चाहिए, फेक कमेंट चाहिए, मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें, मेरे को यही पसंद है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आठवां पॉइंट यही है मेरे दोस्त कि ये सबको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये 8 पॉइंट थे जो मैंने इस वीडियो में आपको कवर कर दिया, आई होप मेरे दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि कॉन्ट्रोवर्सी क्या हुई है, क्या सीन है, तो मैं आपको नॉर्मल सी छोटी सी एक स्टोरी बता दूं क्या हुआ था। थगेश भाई ने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें एक छोटा सा उन्होंने क्लिप यूज़ कर लिया था अदनान भाई के बारे में कि वो ऐसे हैं वैसे कुछ भी, उनके बारे में थोड़ा मजाक उड़ा दिया था। देखो रोस्ट में ऐसे ही होता है, सबके ऊपर मजाक बनता है, कभी आपका रोस्ट बनेगा कभी मेरा बनेगा, किसी का भी रोस्ट बन सकता है, और वो एक हेल्दी रोस्ट होता है, ऐसा उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती, सबके ऊपर रोस्ट बनता है यार, जितने लोग उनके ऊपर, ये तो है नहीं कोई सेलिब्रिटी उनके ऊपर नहीं बनता, यूट्यूब पर सेलिब्रिटी के ऊपर भी रोस्ट बन जाता है, और आप जैसे दोस्तों में हंसी मजाक करते हो आपको वैसे उसको नॉर्मल लेना चाहिए रोस्ट को। तो उनके ऊपर रोस्ट में उन्होंने कुछ 1-2 मिनट की क्लिप में बता कुछ बोल दिया था उनके बारे में, वो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, आप उनकी वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। तो फिर क्या हुआ, वो बात उनको बुरी लग गई तो उन्होंने थगेश भाई को कॉल करके कुछ रात को 1-2 बजे कुछ गालियाँ वगैरह दे दी, वो बात थगेश भाई को चुप गई, उन्होंने वापस एक और रोस्ट बना दिया, फिर लक्ष्य भाई ने रोस्ट बना दिया, एलिस भाई की भी रोस्ट पर वीडियो आने वाली, बहुत सारे रोस्ट बन रहे हैं इधर उनका भी, जो अदनान भाई का भाई है वो भी बोल रहा है कि मैं ट्रैक निकालूंगा एक, तो वो भी ट्रैक सॉन्ग भी आने वाला है, जो भी चीज़ें आने वाली है वो आप यूट्यूब पर चेकआउट कर लेना क्या कॉन्ट्रोवर्सी थी, ये चीज़ मेरे को बतानी थी। तो